बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.11, पेज नंबर 94। पेज नंबर 94, टॉपिक नंबर 12.11, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? आज हम स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे साथ क्या है, किस तरह हमारे साथ वर्क करता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है और सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके लिए हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमने इक्वेशन भी डिराइव किया था कि ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो उसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, जो कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट को यानी कन्वेक्स यूज़ होता था उसमें, ताकि लाइट को कन्वर्ज करे एक पॉइंट पे, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस यूज़ होता था ताकि लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे और ताकि हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ जाए जब हम उसको फोकल लेंथ के अंदर रखें, यानी इस कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट रख लें तब हमारे साथ ऑब्जेक्ट क्लियर यानी लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। किस चीज़ पर? सिंपल माइक्रोस्कोप पर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से डिराइव किया है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ, सिंपल का मतलब क्या कि जो सादा माइक्रोस्कोप था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस यूज होता था। अब यहाँ पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे साथ, उसका जो शेप है वो बिल्कुल इसी तरह होता है, ठीक है। उसमें हमारे साथ दो लेंजेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दो लेंजेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और दो लेंस का काम क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को मज़ीद मैग्निफाई करता है, ठीक है। ये न्यूज का ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होगा वो दो लेंजेस के दरमियान यानी दो लेंजेस के प्रोडक्ट की मैग्निफिकेशन के बराबर होगा, दो लेंस के प्रोडक्ट की मैग्निफिकेशन के बराबर होगा। फर्स्ट नंबर जो लेंस है, ठीक है, वो है हमारे साथ आई पीस है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा आई पीस है हमारे साथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू टाइप्स ऑफ लेंस इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो आई पीस है या आई पीस लेंस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस लेंस का काम क्या है और ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमारे साथ स्मॉल होगा, ठीक है, और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये है हमारे साथ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे साथ तीन लेंजेज इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पर इस आई पीस को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस ट्यूब को, ये ब्रश से बनाया गया है ये ट्यूब, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आई पीस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र आ सके, ठीक है। अब हम हमारे साथ ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारे साथ किस तरह बनेगा। अब डायग्राम की तरफ हम आते हैं, ठीक है, डायग्राम है हमारे साथ। यहाँ पर ये है हमारे साथ डायग्राम, ठीक है, यानी ये सारा फिनोमेना किस तरह होता है, ठीक है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है, ठीक है। तो हम पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, के फोकल लेंथ के बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के बियॉन्ड, ठीक है, हम क्या रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज बना लेता है, ठीक है। अब ये इमेज क्या है, रियल इमेज बना लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेज से पास हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज बना लेता है, ठीक है। अब ये इमेज, ये रियल इमेज है, अब इसे हम आई पीस के जरिए देख रहे हैं, ठीक है, और आई पीस क्या कर रहे हैं, आई पीस इसको इनलार्ज कर रहे हैं। अब ये क्यों इसको इनलार्ज कर रहे हैं, वजह क्या है, ये वजह ये है
यहाँ पर जो रियल इमेज बना है ये फोकल लेंथ के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और जो भी इमेज फोकल लेंथ के अंदर बनाया जाए, ठीक है, यानी कन्वेक्स लेंस में हम अगर रियल इमेज फोकल लेंथ के अंदर बनाया जाए, ठीक है, तो फिर वो हमारे साथ इनलार्ज हो जाता है, यानी वो हमें लार्ज नजर आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फोकल लेंथ के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आ गया है, ठीक है, तो ये इन दोनों यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस इन दोनों लेंस के प्रोडक्ट की वजह से आया है। पूरा कॉम्बिनेशन यानी पूरा मैग्निफिकेशन जो हमारे साथ आ गया है, यानी इमेज जो लार्ज बनाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से और आई पीस लेंस की वजह से, इन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से ये इमेज लार्ज बनाया गया है, ठीक है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस था तो भी हमारे साथ इतना लार्ज इमेज नहीं बनता था, ठीक है। और अगर हमारे साथ सिर्फ आई पीस होता तो भी हमारे साथ इमेज इतना लार्ज नहीं बनता था, ठीक है। अब एक और पॉइंट, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी ये टोटल लेंथ है हमारे साथ। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज के दरमियान यानी रियल इमेज जो कि फर्स्ट इमेज बनाया गया है, आई पीस से पहले जो इमेज बनाया गया है, ठीक है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आई से। अब यहाँ पर एक साइड पर भी फोकल लेंथ है, दूसरी साइड पर भी फोकल लेंथ है, अब यहाँ पर भी फोकल लेंथ है और यहाँ पर भी फोकल लेंथ है। अब यहाँ पर देख ले कि ये फोकल पॉइंट यानी फोकल लेंथ के अंदर रियल इमेज बनाया गया है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये आई पीस के जरिए जब हम देख लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाया गया है, ऑब्जेक्ट लार्ज बनाया गया है, ठीक है, इन दोनों की मैग्निफिकेशन की वजह से। अगर हम इसे रिमूव कर दें, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम रिमूव कर दें, तो ये फोकल लेंथ के बियॉन्ड है, फोकल लेंथ के अंदर नहीं है, तो भी हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट मैग्निफाई नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट मैग्निफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए इसे देख लेते हैं तब भी हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट मैग्निफाई नहीं होगा, यानी इमेज लार्ज नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये दोनों हमारे साथ इसके प्रोडक्ट की वजह से बनाया गया है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हम ले लेते हैं और फिर हम आई पीस का मैग्निफिकेशन ले लेते हैं, फिर इन दोनों को हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट लेने के बाद फिर टोटल मैग्निफिकेशन हमारे साथ आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा मैग्निफिकेशन है हमारे साथ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का, कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को कितना मैग्निफाई किया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर हायर मैग्निफिकेशन ऑफ नियर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हायर मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, द लेंस टूवर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द अदर टूवर्ड द आई इज कॉल्ड आई पीस। जिस तरह मैंने आप लोगों से कह है कि इसमें हमारे साथ दो लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट नंबर है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के करीब होता है, दूसरा है आई पीस यानी आई पीस लेंस वो के जो कि वो हमारे आंखों के नजदीक होता है, ठीक है। दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी स्मॉल वाइल द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज लार्ज। आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो लार्ज है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, वो स्मॉल है, और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, वो ग्रेटर है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव लेंस इज पेटेड एट द वन एंड ऑफ ए बिगर ब्रास ट्यूब, यानी ये ट्यूब जो बनाया गया है ये किस चीज़ से बनाया गया है, ब्रास से बनाया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें पेट किया गया था है, ठीक है। वाइल द आई पीस इज पेटेड इन ए स्मॉल ट्यूब विच कैन स्लाइड इन टू द बिगर ट्यूब, ये और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर हमारे साथ इस ट्यूब में भी ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगाया गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो मूवेबल है, वो मोशन कर सकता है, ठीक है। सॉरी, आई पीस क्या है, वो मूवेबल है, वो मोशन कर सकता है, ठीक है। ये थे हमारे साथ डायग्राम। एज
clear from the figure A, the object to be examined is placed only a small distance beyond the focal length of an objective lens. जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ से थोड़ा सा बियॉन्ड थोड़ा सा दूर रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से, ठीक है, विच मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किस चीज़ के फोकल लेंथ के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है फोकल लेंथ के, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किस चीज़ के, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, यानी ऑब्जेक्ट को हम पर इस करें ये ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ तकरीबन बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, विच सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज गिवन बाय, तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन किस तरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस अब मैग्निफिकेशन किस तरह प्रोड्यूस करता है, मैग्निफिकेशन को हम मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारे साथ है साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, ठीक है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, और माइनस साइन हम इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि इमेज इन्वर्ट बनाया गया है, रियल इमेज है तो रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एम नॉट इज इक्वल टू माइनस डी आई डिवाइड बाई डी नॉट, इसी तरह भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था, लेंस इक्वेशन जब हम डिराइव कर लेते थे तो वहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन में पढ़ लिया था कि ये माइनस डी आई डिवाइड बाई डी नॉट भी हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे भी हम मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। एम एम नॉट इज इक्वल टू माइनस डी आई, ये इज इक्वल टू नहीं है, ये एम नॉट है, एम नॉट इज इक्वल टू माइनस डी आई, डी आई अपनी जगह पर और डी नॉट की जगह पर हमने क्या लगा लिया, एफ नॉट लगा लिया, डी नॉट की जगह हमने क्या लगा लिया, एफ नॉट लगा लिया, ठीक है, डी नॉट की जगह पर हमने क्या लगा लिया, एफ नॉट लगाया, क्यों, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, तो ये बन गया हमारे साथ मैग्निफिकेशन ऑफ किस चीज के, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे साथ बन गया, ठीक है। एज द आई पीस इज एक्ट एज ए मैग्निफायर फ्रॉम फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप देन द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय, अब ऑब्जेक्टिव लेंस सॉरी आई पीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो है एम इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एफ ई, ये भी हमने डिराइव किया था इससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, वहाँ पर सिर्फ इस यहाँ पर सिर्फ ई एड हो गया है, ई का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। एज द आई पीस इज एनलार्ज द इमेज इमेज पाम बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस का काम क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या कर रहे हैं, यानी जो इमेज बनाया गया है उसे एनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है। द नेट मैग्निफिकेशन एम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एम नॉट टाइम द एंगुलर मैग्निफिकेशन एम ई ऑफ द आई पीस, जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया था कि टोटल मैग्निफिकेशन यानी नेट मैग्निफिकेशन जो हमारे साथ है वो किस चीज के बराबर है, एम नॉट यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन प्लस प्रोडक्ट ऑफ या एम नॉट टाइम एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस के बराबर है, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट मल्टीप्लाई बाय एम ई, एम नॉट की अपनी वैल्यू है हमारे साथ माइनस डी आई डिवाइड बाय एफ नॉट और एम ई की अपनी वैल्यू है एन डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू माइनस डी आई डिवाइड बाय एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय एफ ई, तो ये टोटल मैग्निफिकेशन बन गया, माइनस साइन शो क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इमेज जो बन गया है वो ये इन्वर्ट इमेज बन गया है, ठीक है। तो ये टोटल मैग्निफिकेशन है, टोटल मैग्निफिकेशन किस चीज़ के बराबर है, माइनस डी आई यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फर्स्ट इमेज जो बनाया गया है रियल इमेज डिवाइड बाय एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ द
ऑब्जेक्ट ओरिएंस मल्टीप्लाई बाय एन, एन का मतलब क्या, नियर डिस्टेंस डिवाइड बाय एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है, तो ये था बन गया हमारे साथ टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, टोटल मैग्निफिकेशन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंस एंड आई पीस इज कॉल्ड टोटल मैग्निफिकेशन। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई कर रहे, तो ये इन दोनों लेंस के प्रोडक्ट की वजह से इन दोनों लेंस के प्रोडक्ट की वजह से मैग्निफाई कर रहा है। ठीक है, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये इमेज क्या है, ये इनवर्ट है। ठीक है, ये था हमारे साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, काइंडली जिस पॉइंट में भी मस्त हो प्लीज कमेंट कीजिए, और कुछ भी नहीं बुक में बी सी रीड आउट करे तो आप लोगों के जहन में ये सब कुछ बैठ जाएगा। और स्मॉल एम और कैपिटल एम इसमें कंफ्यूज मत होएगा, एम का मतलब है मैग्निफिकेशन। ठीक है, नॉट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंस का मैग्निफिकेशन है, और एम ई का मतलब आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू सो मच।